लॉरा वॉलफोर्ड साउथ अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम में एक बैटर यानी बल्लेबाजी की भूमिका निभाती है। इन्होंने फरवरी 2016 से अपने देश के लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो आइए जानते हैं इनके बारे में इनके जीवन परिचय के साथ। लॉरा वॉलफोर्ड का जन्म 26 अप्रैल 1999 मिलनटन वेस्टर्न कैप साउथ अफ्रीका में हुआ। लॉरा वॉलफोर्ड दाएं हाथ के बैटर है और टीम में इनकी मुख्य भूमिका एक ओपनिंग बैटर की होती है और इनकी जर्सी नंबर है 14। लॉरा वॉलफोर्ड की कैप नंबर यानी इनका देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण नंबर T20I में इनकी कैप नंबर है 43। इन्होंने अपना पहला 2020 इंटरनेशनल मैच 1 अगस्त 2016 आयरलैंड के खिलाफ खेला और वनडे में इनकी कैप नंबर है 74। इन्होंने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 7 फरवरी 2016 इंग्लैंड के खिलाफ खेला और टेस्ट मैच में इनकी कैप नंबर है 66। इन्होंने अपना पहला टेस्ट इंटरनेशनल मैच 27 जून 2022 से भी इंग्लैंड के खिलाफ खेला। और लॉरा वॉलफोर्ड डोमेस्टिक लेवल और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में वेस्टर्न प्रोविंस, ब्रिस्बेन हीट BBL, एडिलेड स्ट्राइकर्स BBL, नॉर्थन सुपर चार्जर्स, वेलो सिटी और गुजरात जायंट्स टीम से खेली और खेलती है। लॉरा वॉलफोर्ड को बचपन से ही क्रिकेट खेलना पसंद था और इन्होंने पार्कलैंड कॉलेज से ग्रेजुएशन की और 13 साल की उम्र में 2013 में इन्हें वेस्टर्न प्रोविंस में अंडर 19 लड़कियों की टीम में खेलने के लिए चुना गया और 2013 की टॉप स्कोरर रही और दिसंबर 2013 में ही दक्षिण अफ्रीका महिला अंडर 19 नेशनल टीम के लिए खेलने के लिए इन्हें आमंत्रित किया गया और दक्षिण अफ्रीका अंडर 19 महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए भी नामित किया गया और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए अंडर 19 टीम की कप्तानी भी की। फिर फरवरी 2016 में लॉरा वॉलफोर्ड को 16 साल की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में पदार्पण किया और श्रृंखला के दूसरे मैच में 114 रन की साझेदारी की और अपना पहला अर्धशतक बनाया और अगस्त 2016 में 17 साल की उम्र में आयरलैंड के खिलाफ 105 रन बनाकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के लिए पुरुष और महिला क्रिकेट में शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी और 2017 में इन्हें ICC महिला ODI प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया और 2018 में दक्षिण अफ्रीकी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए भी नामित किया गया और लॉरा वॉलफोर्ड को 2020 T20 विश्व कप के लिए और 2022 क्रिकेट विश्व कप के लिए और जून 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम के स्क्वाड में शामिल किया गया और 27 जून 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया। फिर 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए इन्हें दक्षिण अफ्रीका की टीम में शामिल किया गया और 2023 वुमेन्स प्रीमियर लीग में गुजरात जायंट्स की टीम से खेलने का मौका मिला। तो हम कामना करते हैं कि लॉरा वॉलफोर्ड ऐसे ही क्रिकेट खेलती रहे और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगे और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है तो कृपया हमसे TeamNationTamasha@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।